वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस लुक में देख के मेरे को प्लीज शॉक मत हो जाना, क्योंकि आपने मेरे को हमेशा अजीब से एकदम कैजुअल लुक्स में देखा है, बट आज मेकअप वीडियो थी तो यार इतना तो बनता था। तो आज कोई खाने की वीडियो नहीं है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम करने वाले हैं जो है मेकअप। तो पिछली बार जब मैंने किया था तो एक ट्रेडिशनल लुक पे मेकअप किया था, बट आज का जो मेकअप है वो है रेड हॉट वेस्टर्न लुक पे, क्योंकि एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि आप रेड हॉट वेस्टर्न लुक में एक मेकअप शूट करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात भी। तो आज मैंने वो मेकअप शूट कर लिया है, अभी उन्हें पीछे देखा होगा ग्लिम्स जो मैं हीरोइन बन के कर रही थी। तो बिना किसी देरी के हम अपना मेकअप जो है स्टार्ट करते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप। तो मेकअप करने के लिए सबसे पहले तो जो मेन स्टेप होता है वो है कि आपका फेस अच्छे से वॉश होना चाहिए। फेस वॉश से आप किसी भी चीज़ से अपना जो है वॉश कर सकते हैं फेस, आप स्क्रब से पैक पहले लगा लिया उसे, मतलब अपना फेस क्लीन रखना है आपने। मगर मेकअप से पहले सबसे अच्छी टिप ये है कि आपके पास अगर आइस अवेलेबल हो, बर्फ़ को आप अपने फेस पे ऑल ओवर लगा के थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे करके पोंछ लो। इससे क्या होता है कि बहुत स्मूथ हो जाती है स्किन, जिससे मेकअप करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है आपको और लुक और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि मतलब इसमें कोई प्रोफेशनल चीज़ें यूज़ नहीं करूँगी मैं, कोई कंसीलर कलर करेक्टर, बहुत ही सिंपल चीज़ों से एक ऐसा मेकअप लुक आएगा कि ऐसे लगेगा कि भाई क्या लगा लिया मुंह पे। तो सबसे पहले आई एम यूजिंग दिस इनसाइट प्राइमर। प्राइमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, पहले मैं लगाती नहीं थी बट मेरे को किसी ने रिकमेंड किया कि मेकअप से पहले प्राइमर ज़रूर लगाना चाहिए। प्रोडक्ट जो है वो हर किसी के घर में बहुत इजीली अवेलेबल है, वो है फेयर एंड लवली। यस, आज हम फेयर एंड लवली से अपना मेकअप करेंगे, और फेयर एंड लवली भर के नहीं लेनी है, ये देखो बहुत ही कम क्वांटिटी में लेनी है, एकदम हल्की सी बस टच के लिए। नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन। फाउंडेशन लगाना अगर मेकअप कर रहे हो आपको ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सच्ची में ज़्यादा नहीं लगाना है कि बहुत ज़्यादा वाइट लगने लग जाए, अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही आप फाउंडेशन लें और जितना कम हो सके उतना ही लगाएं, ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कितना टाइम हो चुका, मैं फाउंडेशन बहुत ही कम लगाती हूँ, इतने फाउंडेशन में मेरा चल जाता है और बस इतने में मेरा हो जाता है, मैं इससे ज़्यादा नहीं लगाती क्योंकि मैंने फेयर एंड लवली भी लगा ली है। हर किसी का मेकअप करने का ढंग अलग अलग होता है, सब अपने हिसाब से करते हैं, तो मेरा भी अलग ही है। मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती, बहुत हाई फाई प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती, सिर्फ नॉर्मल चीज़ों में मेरा हो जाता है। तो इसलिए मैं भी रिकमेंड करती हूँ आप कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें, जो कर रहे हैं उनको ठीक से करें। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर, जिससे ये जो है फाउंडेशन लगाई ये सेटल हो जाए। मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइट के ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं मेरे, क्योंकि सच में बहुत अच्छा ब्रांड है। हल्का सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, और इसी को ही हल्का हल्का हर जगह लगा लेना। पाउडर भी फेस पे लग चुका है अच्छे से, और देखो ज़्यादा वाइट वाइट नहीं लग रहा, एकदम नेचुरल लुक है। हल्के से जो आपके अगर स्पॉट्स हैं वो कवर हो जाएंगे, बट ओवर नहीं लगेगा अगर आप ऐसे स्टेप्स जो हैं फॉलो करेंगे। अदर दो तरह के लुक होते हैं, जैसे अगर हम ट्रेडिशनल पहन रहे हैं तो हम जैसे आई मेकअप करते हैं तो कलर टोन में करते हैं, जो हमने पहन रखा हो उसी के हिसाब से मिलता जुलता। बट अगर आप पार्टी वेयर मेकअप कर रहे हो, आप ड्रेस पहन रहे हो, तो फिर अवॉइड करना चाहिए आपको ये सब कुछ, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ शिमर जो आई शेडो होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। तो मैं यहाँ पे द सिटी मिनी पैलेट फ्रॉम मेबलिन यूज़ कर रही हूँ। इसके जितने भी शेड्स हैं, एक शिमर शेड है, थोड़ा सा चमकीला लुक, इतना ज़्यादा भी नहीं, बट ये सिर्फ एक हल्का सा आँखों में स्पार्कल देता है, जिससे ओवर मेकअप नहीं लगता जब आपने कोई वेस्टर्न वियर कर रखा हो। तो मेरे लिए भी, मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगी इसको लेके, हल्का सा ज़्यादा नहीं लगाए हो तो ज़्यादा लगा सकते हो अगर आपको ज़्यादा मेकअप करने का है, बट मैं तो बहुत ही हल्का हल्का ही यूज़ करती हूँ, और एकदम हल्का हल्का जितना कम से कम दिखे। ओके, आई शेडो लग गया, फाउंडेशन लग गया, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मेकअप हमारा हो चुका है इतनी जल्दी। नेक्स्ट अप्लाई करना है आपको आईलाइनर। हमेशा ध्यान रखना है, पहले आपको आई शेडो लगाना है, उसी के बाद ही आपको आईलाइनर लगाना है, क्योंकि अगर आप आईलाइनर लगा के आई शेडो लगाओगे तो एक आपका लाइनर जो है वो उसी कलर टोन में छिप जाएगा और फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए तो लाइनर आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, जैसे भी आपको लगाना है। मैं अपने हिसाब से लगा लेती हूँ, लाइनर भी मैंने अप्लाई कर लिया है। लाइनर अप्लाई करते हुए आपको किसी रेस में तो जाना नहीं है, तो आप आराम से आईलाइनर अप्लाई करना, क्योंकि आईलाइनर के चलते ज़्यादातर आईलाइनर बिगड़ जाता है, तो फिर आई शेडो भी ख़राब हो जाता है, फिर आपको सारा रिमूव करना पड़ता है। इसलिए धीरे 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 ही आराम से आईलाइनर लगाना, ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग मस्कारा फ्रॉम मार्स से हम यूज़ करेंगे मस्कारा। मस्कारा बहुत ज़्यादा मेरे को पहले पसंद नहीं था, बट मैंने एक ही बार लगाया और फिर उसके बाद मैंने देखा यार आई लैशेज में क्या अलग ही वॉल्यूम आता है, मज़ा आता था। तब से चाहे प्रॉब्लम होती है लगाने में, बट लगाना है तो लगाना है यार, वो बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ऐसे करके ऊपर की तरफ करना,
नीचे की तरफ नहीं, मतलब नीचे नहीं जानी चाहिए, ऊपर ही जानी चाहिए। मेरा भी लग चुका है, एक क्लोज लुक से दिखा देती हूँ मैं आपको अपना आई मेकअप। यूज़ करने वाले हैं हम हाइलाइटर, आप कोई भी कंपनी का हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। ये है रेवोल्यूशन प्रो इल्यूमिनेट का हाइलाइटर, तो इसको भी आराम से ज़्यादा नहीं लगाना है। मैं हर चीज़ पे यही बोलूँ कि ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि कोई कोई गलती से जिसको नहीं आता मेकअप, जो बिगनर होते हैं वो ना जल्दबाजी में गलत गलत कर देते हैं, तो ज़्यादा नहीं। जिसका आपको लगे कि हाँ यार ये ज़्यादा हो गया, अभी बंद कर देना चाहिए, तो वहीं तक ही आपको गलत गलत कर देते हैं, तो ज़्यादा नहीं। जिसका आपको लगे कि हाँ यार ये ज़्यादा हो गया, अभी बंद कर देना चाहिए, तो वहीं तक ही आपको रखना। हल्का सा थोड़ा पार्टी वियर करिए यहाँ पे भी, ये बहुत अच्छा लुक आता है इसका, सीरियसली बहुत ही कम, ज़्यादा नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास काजल है तो आप अप्लाई ज़रूर करें हल्का सा। मैं वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ, वाइट काजल से आंखें ना बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हैं और बहुत प्रीटी लुक आता है। रिकमेंडेड यही है कि वाइट काजल अगर आप यूज़ करो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बिल्कुल हल्का सा, सिर्फ एक ही बार को मारना है और हो जाएगा, बस इतना सा। और इसमें आँखों में एक अलग ही चेंज आ जाता है, यहाँ पे मेरे आई राम अस्कारे से लग गया, इसको तो मैं साफ कर। और ये देखिए आईज़ का लुक बिल्कुल कम चीज़ें यूज़ करने पे कितना प्रिटी लुक आया है, एकदम सिंपल। हेलो, ओके गाइस, सो दिस इज़ द फाइनल लुक। तो देखा, इतने कम मेकअप के साथ मैंने इतना बढ़िया मेकअप कर लिया यार, क्या बात है। आप भी कर सकते हो ऐसे, अगर ये सारे स्टेप आप जो है फॉलो करोगे तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आए होंगे, बोरिंग नहीं लगी होगी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय।